दोस्तों आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है नागिन धुन। देखिए आप गाना यहाँ से गाते हैं, लेकिन जब भी मंच पर हम बैठते हैं या फिर कहीं पर, तो हम ऊंचे स्वर से जब बजाते हैं तो और आवाज जो है खुलकर आती है। तो अपने हारमोनियम की 1 2 3 4 चौथी काली, अर्थात हम इसको जो चीज यहाँ पर हम जो चीज यहाँ से निकालेंगे वही चीज यहीं से निकलेगी, वो सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है जी सार को हमने सा माना हुआ है अपना, यहाँ से हम नागिन धुन को बजाना सीखेंगे। ठीक है शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ में पहला सा एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिए, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे क्या है क्या नहीं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज जो है वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा देखें, और कहां से आप लोग देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है तो पहला पैटर्न देखिए, पहला पैटर्न ढोलक के साथ में, पहला पैटर्न इस तरीके से चलेगा। अब देखिए कितना कैसे चला, 1 2 3 और 4। ठीक है 1 2 3 4, 1 2 3 और फिर 4, 1 2 3 और 4। ठीक है हो गया ना, 1 2 3 और 4। अब चार बटन है हमारी यहाँ पर, ये प्रेस करनी है और इसके बाद में ऊपर वाले दबाना है, नीचे वाले को प्रेस करना है, यानी सा गा पा धा नी धा पा धा नी, यानी दोनों सुर को टच करना है, यानी कर्ण स्वर लेना है। ठीक है तो अच्छा रहेगा, कर्ण स्वर लेंगे तो अच्छा रहेगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। देखिए एक बार हम बजाते हैं, इसी के साथ में दूसरा पैटर्न देखिए। अब दूसरा पैटर्न किस तरीके से चलेगा, दूसरे पैटर्न पर हम गौर करते हैं। तो दूसरा पैटर्न हमारा रे से स्टार्ट होगा। ठीक है देखिए, अब ये दूसरा पैटर्न हमारा, अब दूसरे पैटर्न में सीखते हैं हम, रे गा मा पा मा पा पा मा गा रे सा। देखो रे गा, ठीक है रे हो गया, फिर गा कोमल, मा पा मा पा पा मा गा रे सा। ठीक है रे गा मा पा मा पा मा गा रे सा। तो देखिए इतना हम बजाते हैं तो देखिए कैसा बजता है, अगली लाइन हमारी ये देखो, ये लाइन को सीखते हैं। ठीक है अब इस लाइन को सीखेगा, बहुत सिंपल है, इसको भी बजाना। देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की गिनती चलेगी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
चार हो गया, फिर पांच यही वाला पांच, फिर छ, फिर ये सात रहेगा, ठीक है, और फिर ये आठ, ठीक है। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ठीक है। अब हमारा यही, देखिए एक बार और देखिए, बजाता हूं मैं। अभी इस चीज को सीखिए, देखिए अभी हमने बताया था, देखो देखो, ये भी म्यूजिक इसमें चलता है, ठीक है। ये थोड़ा आपके लिए कठिन रहेगा, डब रहेगा, चाहो सीखना चाहो तो इसको सीख लीजिएगा। देखो थोड़ा सा डब है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगी। इसके बाद हमारा शुरू होता है गाना, ठीक है। मेरा मंडोले तंडोले, ठीक। और भी इसको आप किसी भी स्केल से बजा सकते हैं, आप जहां से भी आपकी इच्छा है, जिस भी स्केल से, जैसे अपसार से बहुत लोग बजाते हैं ना, तो अपसार वही सुर रहेगा। तो आप जिस भी स्केल से आपकी इच्छा है, यहाँ से जैसा यहाँ से बजाते हैं वैसा ही यहाँ से बजाते हैं। तो ये म्यूजिक आप कभी भी कहीं भी बजाएंगे, इस म्यूजिक को आप जो है प्ले करेंगे तो आप अच्छी तरीके से, आपका साज बाज बहुत अच्छा जम जाएगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर यहाँ से भी देखिए वही चीज चलेगी, वही सा सा गा पा, ठीक है, सा गा पा। है ना, तो इस तरीके से अपना ये म्यूजिक निकाल बजा लीजिएगा। गाना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आप पूरा नागिन धुन का देंगे, ये तो सिर्फ आपको म्यूजिक म्यूजिक हमने सिखाया है। तो आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।